स्मॉल कैप पिछले 5 ट्रेडिंग डे से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज हम बात करेंगे कि अप्रैल के मंथ में आखिर क्यों यहाँ पे मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हम कुछ विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट AMC ने अपने एक म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज कर दिया है और SIP के लिए कुछ यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी है। जी हाँ, मैं किस AMC की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहा हूँ। और मैं किस फंड की बात कर रहा हूँ, HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। अगर देखा जाए तो काफी पुराना फंड नहीं है, NFO मार्च में आया था और अब आने वाले समय में यहाँ पे लमसम का विंडो क्लोज हो सकता है। जी हाँ, AMC ने डिसाइड किया है कि 8 अप्रैल से ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम क्लोज हो जाएगा। और SIP की बात करें तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए तक का SIP एक्सेप्ट किया जाएगा। STP की बात करें तो यहाँ पे 1,00,000 तक का अलाउड होगा, लेकिन आप यहाँ पे स्विच इन नहीं कर सकते हो। जी हाँ, जब लमसम का विंडो क्लोज हो जाएगा तो स्विच इन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। स्विच आउट कर सकते हो, यहाँ से किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हो, SWP का बेनिफिट यहाँ से ले सकते हो, आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, रिडम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनफ्लो को यहाँ पे रोका जा रहा है। इट मीन्स कि लमसम के तौर पे पैसा यहाँ पे अब नहीं दिया जाएगा, वो 8 अप्रैल से लागू होगी। अब क्यों AMC अपना लमसम का विंडो क्लोज कर रही है? देखो, अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर को ये एहसास हो कि ऐसे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऊपर के प्राइस पे हैं और यहाँ से इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर को नुकसान ज़्यादा देने के बराबर हो सकता है। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि अभी फंड मैनेजर के पास और AMC के पास सफिशियंट अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। गिरावट में हो सकता है कि जो पैसा ऑलरेडी सफिशियंट है उसको इन्वेस्ट किया जाए और उसके बाद यहाँ पे लमसम का विंडो ओपन किया जाए। अगर देखा जाए तो करीबन 1 महीने भी इस फंड को आए हुए नहीं हुआ, AMC के साइड से ऐसे फंड में लमसम के विंडो को क्लोज कर दिया गया। चलिए अब हम दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, शुरुआती दौर में जैसे कि मैंने बात किया था स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। देखो, स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर मैं आंकड़ा देखूँ, चाहे आप कोई भी ड्यूरेशन उठा के देख लो, जी हाँ मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे 1 दिन का आंकड़ा देख लो या फिर 5 दिन का आंकड़ा देख लो, 1 महीने का आंकड़ा देख लो, 6 महीने का आंकड़ा देख लो, हर एक ड्यूरेशन में जी हाँ अब हम पॉजिटिव में दिख रहे हैं। अब मैं ये डाटा आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, मैं इसलिए रख रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे मान लो कि 1 महीने पहले इन्वेस्ट किए होंगे या फिर फरवरी में इन्वेस्ट किए होंगे, हो सकता है कि उनको यहाँ पे काफ़ी कम नुकसान देखने को अब मिल रहा होगा या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे। क्योंकि अगर मैं 5 दिन 8 दिन पहले आंकड़ा देखूँ तो जो लोग 1 महीने पहले लमसम किए होंगे स्मॉल कैप में, उनको नुकसान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रिकवर हो गया है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था और उसमें मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा था, पिछले 4 साल 5 साल का आंकड़ा, कि जब भी फिनेंशियल ईयर में जब मार्च का महीना होता है फिनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ, तो उस समय मार्केट में दबाव देखने को मिलता है और वही स्थिति हमें यहाँ पे मार्च के महीने में देखने को मिला। मैंने ये भी उस वीडियो में आपको एडवाइस किया था, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपका जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहे, इट मीन्स कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव दिखे। जो मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा था, ये सिर्फ डाटा के बेसिस पे रखा था, मैंने हिस्टोरिकल डाटा देखा और उस डाटा के बेसिस पे आपके सामने ये तथ्य रखा था। और 1 अप्रैल से लेके अब तक मैं अगर आंकड़ा देखूं तो मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव संकेत ही दिया है। देखो, मैं आपके सामने 2015 से लेके अब तक का अप्रैल के महीने का 10 दिन का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमेशा अगर आप देखोगे जब नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो अप्रैल के महीने में 10 दिन मार्केट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है। और मैं आपके सामने स्मॉल कैप इंडेक्स का डाटा रखूँगा, 2015 से लेके 2023-24 तक का आंकड़ा रखूँगा और आप समझ सकते हो कि वाकई में यहाँ अप्रैल का महीना पॉजिटिव दिख रहा है। 2015 से मैं आपके सामने डाटा रखूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो 2015 से ये अप्रैल के जो 10 दिन का ट्रेडिंग डे है उसका आंकड़ा है। इट मीन्स कि 10 ट्रेडिंग डे में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग डे संडे हो, सैटरडे हो या उस दिन ट्रेड ना हो,
कोई हॉलीडे हो, तो अगर देखा जाए 2015 में अगर 10 एक से लेकर 10 अप्रैल तक का आंकड़ा देखें तो इतना दिन मार्केट ओपन होता है, और इसमें पूरे अप्रैल में 2015 में आप देख सकते हो करीबन 7 से 8% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 2016 का आंकड़ा देखूं, 2016 में भी आप देख सकते हो मैं 1 अप्रैल से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 अप्रैल का आंकड़ा लिया हूँ, और ऐसे कंडीशंस में अगर आप देखोगे 2016 का रिटर्न देखोगे तो करीबन 1 से 2% के बीच में रिटर्न देखने को मिला है। अब अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में भी अगर आप देखोगे तो मैंने 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का आंकड़ा लिया है, और यहां पे देखो शुरुआती जो फिनेंशियल ईयर है उसके 10 दिन का आंकड़ा अगर आप देखोगे 2017 में तो यहां भी 1 से 2% का रिटर्न देखने को मिला है। ठीक वैसे ही अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 का आंकड़ा भी आपके सामने है, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच का आंकड़ा है, और इसमें अगर आप टोटल यहां पे रिटर्न देखोगे तो करीबन 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर मैं 2019 की बात करूं, जैसे कि आपके सामने डाटा है 2019 में भी आप यहां पे देख सकते हो जो आंकड़े हैं 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का आंकड़ा है, और ऐसे में यहाँ पे जो है रिटर्न जो है नेगेटिव है, लेकिन बहुत मामूली सा नेगेटिव है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2015, 2016, 2017 और 2018 में हमें डाटा पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन 2019 यहाँ पे फर्स्ट फिनेंशियल ईयर का जो मंथ था, कुछ दिन था, उसमें हमें नेगेटिव रिपोर्ट देखने को मिला। वैसे ही अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में भी अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे मार्केट जो चढ़ा है वो 7% के करीब में चढ़ा है। वैसे ही अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में ये आंकड़ा आप देख सकते हो करीबन जो मार्केट चढ़ा है वो 4 से 5% के करीब में चढ़ा है। 2021 में भी पॉजिटिव देखने को मिला। 2022 की बात करूं तो 2022 में ये देख सकते हो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 6% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। वैसे ही 2023 की बात करूं तो 2023 में भी अगर आप आंकड़ा देखोगे तो करीबन 2 से 3% का चेंज देखने को मिला है, अप्रैल फर्स्ट से लेके यहां पे 10 अप्रैल तक का डाटा है, और करीबन 3% का रिटर्न देखने को मिला है। 2024 की बात करूं तो 2024 में अभी 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो करीबन 5 से 6% का तेजी देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे तो हर साल आपको यहाँ पे करीबन 2%, 3%, 5% के करीब में रिटर्न देखने को मिला है। 2019 एक ऐसा साल रहा, जैसे कि मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ, जिसमें नेगेटिव चेंजेस देखने को मिला, बाकी हर ईयर में हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। 2015, 2016, 2017, 2018 ये 4 साल पॉजिटिव रहा, 2019 नेगेटिव रहा, 2020, 21, 22, 23 और यहाँ पे 24, करीबन आप देख सकते हो कि यहाँ 9 से 10 साल का आंकड़ा है, और इस 9 से 10 साल में सिर्फ 1 साल ऐसा रहा कि अब के जो फर्स्ट यहाँ पे 10 दिन का आंकड़ा है वो नेगेटिव था, बाकी पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये पूरे आंकड़े से ये समझना पड़ेगा कि जब जब फिनेंशियल ईयर चेंज होता है, अप्रैल के कुछ दिन होते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट वीक बात कर लो या फिर 10 दिन या 12 दिन का आंकड़ा देख लो, तो पॉजिटिव ही रहता है, और वही संकेत हमें यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ है, यहाँ पे कुछ दिन हुए हैं, और इसीलिए 1 अप्रैल से आप देख सकते हो मार्केट में कितना खरीदारी हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स चढ़ता जा रहा है। मैं जितना भी रिकॉर्ड आपके सामने रखा हूं ये स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का डाटा है। ये मैंने पहले भी बताया था कि अप्रैल का महीना हमेशा मार्केट के लिए अच्छा रहता है, और वही स्थिति हमें स्मॉल कैप के इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अप्रैल के महीने में अगर मैं 10 से 12 दिन का आंकड़ा देखूं तो पॉजिटिव दिखता है, वही मार्केट फिर से आंकड़ा दोहरा रहा है। अप्रैल के कुछ दिन बीते हैं, इस ट्रेडिंग डे में आप देख सकते हो कि आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिला है। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करें, अभी स्टार्ट करें फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।